नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। जिस तरह से आप ब्लंटली स्पीकिंग में पिछले आप एपिसोड्स में देखते आ रहे हैं कि हम हर एपिसोड्स में वो चर्चा और वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि जो आज आम आदमी, आम व्यापारी, आम उद्योगपति की जरूरत है, यानी कि सरकार क्या कर रही है और व्यापारियों को क्या चाहिए, इसके ऊपर जो ब्रिज एक पैदा हो गया है उसको कैसे भरा जा सकता है, कैसे हम अपनी मांग सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। अभी आप देखें कि जब सरकार, जब यहां पे जो हमारे कोरोना के संक्रमित थे, कोरोना पेशेंट्स थे, वो जब 250, 300, 500, 1000 और 1500 की तादाद में आ रहे थे, 3000 भी आ रहे थे डेली, तब सरकार ने लॉकडाउन पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही नंबर 5000 को क्रॉस कर गए, सरकार ने लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है, नियम की पाबंदी लगा रही है कि अगर आपको कैब करनी है, टैक्सी चलानी है, तो उसमें दो व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपने ऑटो चलाना है तो उसमें एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकता। लेकिन सरकार को यदि फ्लाइट चलानी है तो उसमें कोई भी, वो बीच की सीट जो खाली छोड़ना चाहते थे, अब वो कह रहे हैं कि उससे हमें वायबिलिटी नहीं आती है। यानी कि सरकार अपनी वायबिलिटी तो पूरी ढंग से देख रही है, पूरी तरफ से देख और समझ रही है, लेकिन जो व्यापारियों की वायबिलिटी है वो कैसे आएगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, इसकी तरफ सरकार का कोई खास ध्यान नहीं है। आज हमारे साथ पैनल पे लोग जुड़ गए हैं, मैं आपका सभी से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ रघुनंदन जगदीश जी हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं नंदन जीएसई प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के। एमजे पुरोहित जी हैं, सीएमडी एक्सियोम एनर्जी कन्वर्जेशन लिमिटेड के। आर राधाकृष्णन जी चेयरमैन क्लियरशिप ग्रुप मुंबई से, और वीरेंद्र कुमार मलिक एमडी मेलको इंडिया लिमिटेड दिल्ली से। नरेश वर्मा पास्ट प्रेसिडेंट है मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रघुनंदन जी आपसे समझना चाहता हूं कि आप जो इस समय सरकार इतने नियम बना रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लॉकडाउन खोलना बेहतर है, इस वक्त सही है? क्या यही, जब लॉकडाउन सरकार ने किया था तब यही लग रहा था यही एक विकल्प है, लेकिन हमने देखा कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी किस तरह से नंबर तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे, और अब भी, अब जब देख रहे हैं आप 6500 7500 नंबर डेली बढ़ रहे हैं, तब हमारे पास दिख रहा है कि लॉकडाउन खोल दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन खोल तो दिया गया, इससे क्या आपका जो काम है, यानी कि फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो चल पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितने मजदूर हैं वो वापस सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ओके रविंद्र, हाय। आपने जो क्वेश्चन बोला है लॉकडाउन के बारे में, आई थिंक ऐसा वाला जो माहौल है कभी गवर्नमेंट ने देखा नहीं था और किसी ने भी प्लान नहीं किया था इस चीज के लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड, जो 1.3 करोड़ हमारी जो संख्या है, आबादी है, एंड आई मीन उसको अगर हमको आगे बढ़ा, 1.3 बिलियन, सॉरी, उसको अगर संभालना है, देर इज नो रूल बुक जिससे आगे बढ़ सके। जो लॉकडाउन किया गया है उससे हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्गर हुआ है, जो SOPs डलने थे वो सब हो गए। नाउ अभी जो लॉकडाउन खुलने की जो बात है, इकोनॉमी हैज़ टू गेट रीबूटेड। तो जो इकोनॉमी इतने दिन से बंद हुई थी, जो लोगों का पैसा, सैलरीज जो भी है, सैलरी क्लास है, उनको भले ही अगर सैलरी मिला हो, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन कमाएगा नहीं तो उसको पैसे कैसे देगा? तो ऑर्गेनाइजेशंस को रीबूट होना ज़रूरी है, एंड जो भी शॉप्स या जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट में लिए गए उसमें स्लोली और स्टेडीली प्रोग्रेस होना है। तो उस हिसाब से भले ही अगर एम्प्लॉयज या वर्कर्स, माइग्रेंट्स जो है उनमें भी जो उत्सुकता है वापस उनके घर जाने में, या जो डर बैठ गया है उसको अगर मिटिगेट करने के लिए कुछ भी स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं, ट्रेन्स चालू किया, बस चालू किया और निकल गए, तो जितने आदमी हैं उतने से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चालू हो सकता है। तो जो इकोनॉमी अभी रीबूट होना है, जो टैक्सेशन गवर्नमेंट को मिलना है, जो सेल परचेस सब होना है, उसी से एक्चुअली नेशन चलेगा। सिर्फ चुपचाप घर पे बैठने से नेशन तो चलना नहीं वाला है। एंड जो लॉकडाउन से बेसिक जो फर्स्ट एम था कि हमको कर्व को फ्लैटन करना है थोड़ा बहुत, दैट इज हैपेंड, नंबर वन। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिसिन है, जो हॉस्पिटल्स को गियर अप करने थे, और जो इनिशियल डर लोगों का जो निकल गया है, आई थिंक दैट अगर उनका वो जो ध्येय था अगर फुलफिल हो गया है तो आगे जाके हमको जाना है। जो नंबर्स अभी जो बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने से या बंद होने से कम या ज़्यादा होगा, इतने लोग इतने तो नॉर्मल टाइम पे भी मरते थे,
ओनली थिंग एट दैट टाइम जो डेली नंबर्स बनते थे वो नहीं बन रहे थे. तो आई थिंक रविंद्र इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन मेरा ये है कि लॉकडाउन खुलना अच्छा है कि बट जो पीपल में जो एम्पैथी आनी थी जो डर जो निकल के अभी जो सेंसिबिलिटी आ रही है आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझा है कि अगर हम सेंसिबली नहीं रहेंगे तो 7-8 महीने भी घर पे बैठ सकते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कंपेयर टू टेकिंग प्रिकॉशन टेकिंग स्टेप्स एंड मेकिंग श्योर द इकोनॉमी गेट्स रीबूटेड सेफ्टी के साथ. जी राधा कृष्ण जी आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पहले तो मैं सोचता हूँ ये जो भी हुआ है ये तो पहली बार एक गवर्नमेंट के लिए भी एक्सपीरियंस है हर गवर्नमेंट के लिए पहली बार एक्सपीरियंस है कि ऐसे चीज तो कब हुआ नहीं है. तो इस जिस तरह से किया हुआ है गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन ले आया है उसके बारे में काफी कुछ बोल सकते हैं. पीछे भी एनालिसिस होगा मे बी नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हम एनालिसिस करेंगे पर हमें ये करना है कि अभी लॉकडाउन तो हो चुका है अभी आगे क्या करना है. अभी हमको इकोनॉमी को रिवाइव जरूर करना है. हाउ डू वी रिवाइव द इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द कंट्री एवरीवन शुड थिंक अबाउट इट. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर लॉकडाउन हैज गॉट टू बी स्टार्टेड इमीडिएटली हाउ इट हैज टू बी स्टार्टेड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एवरी लोकेशन वेयर इट इज अफेक्टेड. वी कैन नॉट हैव अ सेम यार्डस्टिक एक ही जैसे सब जगह में शुरू नहीं कर सकते हैं. तो हमें भी ये समझने की जरूरत है. हमें मेजर प्रॉब्लम ये हो रहा है ऐसे हम जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में हमें वर्कर की प्रॉब्लम हो रहा है जो हम आजकल एक नया नेम घोषित किया है माइग्रेंट लेबर. मुझे शायद ये शब्द तो उचित नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे जो कंट्री के हर आदमी ये हिंदुस्तानी है वो कहाँ भी हो कहाँ भी काम करे हमें उनको सुविधा देने की बहुत जरूरत है. गवर्नमेंट की ये जरूरत है कि अभी इनको कैसे वापस ये जिस जगह में काम करते हैं कैसे लेबर को हर जगह में प्रोवाइड किया जाए इंडस्ट्री एरिया में कैसे इनको प्रोवाइड किया जाए इन पे पीछे हम लोग क्या कमी रखा था इनको कमी ऐसे कि जैसे इनकी हम लोग शायद रहने की जगह नहीं दिया गया प्रॉपर उनको शायद क्या क्या सुविधा देना चाहिए उनके लिए क्योंकि इस पे शायद हमारे अंदर कमी है कि इनके लिए द रीजन फॉर दिस माइग्रेंट जो वर्कर जो हम बोलते हैं शायद मुझे अच्छा नहीं लगता है माइग्रेंट कहने का. हमारे देशवासी जो दूसरे शहर में आके काम करते हैं वो जो वापस उनके शहर जाना चाहते हैं उनके लिए हमको कैसे सुविधा करें और कैसे हम लोग इन जो हमारे यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो आते हैं उनको कैसे सुविधा करके उनको कैसे कंफर्ट दे बिकॉज हर आदमी को ये कंफर्ट नहीं मिला तो वापस वो जाना ही चाहेंगे अपने अपने घर पे क्योंकि ये कमाने के लिए आते हैं. तो कमाने के आने के बाद तो जब ये 2 महीने से आदमी बंद है कमरे में कई जगह ऐसे है बॉम्बे शहर जैसे में 6-8 आदमी एक कमरे में रहते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की नाम ही नहीं है ऐसे शहर से वो वापस जाना ही चाहेंगे 40-60 दिन उसको घर पे बंद रखे हम. तो इसकी शायद हमारे अंदर शायद पॉलिसी होना चाहिए. इट शुड नॉट बी जस्ट ए पॉलिसी बाई द स्टेट बोले ये तो गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंटर मिलके टोटली एक पॉलिसी ऐसे कड़ा करें कि आगे हम ऐसे सिचुएशन फेस नहीं करें और जितने जल्दी हम हो सकते हैं इनको कॉन्फिडेंस देके वापस बुलाना चाहिए शहरों में या इंडस्ट्री एरिया में जितने भी इंडस्ट्री एरिया में इनको वापस शायद ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हम लोग भी देखना चाहिए हम कैसे हमारे जो वर्कर लोग को कॉन्फिडेंस देके उनको जगह में लेके आए. दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. वी फील दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट इवन इफ वी स्टार्ट द इंडस्ट्री वी आर नॉट हैविंग द लेबर वी आर नॉट हैविंग द अगर फैक्ट्री शुरू हो जाए तो ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर नहीं ट्रक चलाने के लिए क्लीनर नहीं ये जो इट इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम सिचुएशन फॉर सम टाइम. आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर दिस टू बी अटेंडेड ऑन प्रायोरिटी एंड ओके वी ऑल विल पे अवर सैलरी बिकॉज ये गवर्नमेंट पे करे या नहीं करे हमें आदमियों की सैलरी जरूर देना है. गवर्नमेंट हेल्प करे तो अच्छी बात है पर हमें पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ले आना है इनको कैसे शहरों में बिठाने के लिए कहाँ पे जगह उन लोग देने वाले कैसे जगह देने वाले. जी जी राधा कृष्ण जी आपने जिस तरह से अपनी संवेदनाएं दिखाई वो समझ में आती हैं और शायद मैंने अभी तक ये वर्ड किसी मतलब आपसे पहली बार सुना है. मैं समझता हूँ सारे पैनलिस्ट इस बात से एग्री करेंगे जो माइग्रेंट लेबर की बात करी जाने लगी बिल्कुल हम ऐसा समझने लग गए थे कि ये हमारे हैं ही नहीं माइग्रेंट हैं. माइग्रेंट किसे कहते हैं जो कोई बाहर भारत देश से कोई बाहर आता है या भारत देश से कोई बाहर कहीं जाता है उसको ही माइग्रेंट कहा जाता. हम अपने ही देश में रहने वाले लोगों को माइग्रेंट कहने लग गए.
लेकिन शायद इसमें इससे भी जड़ी जो बड़ी एक बात निकल के आ रही थी, लोग माइग्रेंट लेबर पे बाद में चर्चा शायद कर लेते, लेकिन यही लग रहा था वो किसी तरह से अपने घर पहुंचे, उनके लिए क्या सुविधाएं करी जाए, उसके ऊपर भी बहुत सारे आप जैसे उद्योगपतियों ने काफी काम किया है। सरकार ने तो जो किया है वो आपने देखा ही है कि किस तरह से सरकार ने हवाई चप्पल में चलने वाला मजदूर था, जिसको हवाई चप्पल में चलने वाले मजदूर को हवाई जहाज की यात्रा करने का वचन दिया गया था, इस तरह के सपने दिखाए गए थे, उस बेचारे की हवाई चप्पल भी छीन ली। नरेश जी, आप इस कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन, जब लॉकडाउन ये खुल रहा है धीरे धीरे करके, और दूसरी तरफ जो मजदूर हैं अपने अपने घरों को जा रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं भी माइग्रेंट लेबर नहीं कहूंगा क्योंकि बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उचित शब्द ही नहीं है, तो मजदूर अपने अपने घरों को जब जा रहे हैं, तो जब अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा, फैक्ट्रीज खुल भी जाएंगी, तो वहां पे काम कौन करेगा? मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि कौन काम करेगा, बट इसके अंदर मैं सबसे पहले जगदीश जी ने जो कहा उसको उससे ज्यादा सहमत हूँ कि जैसे ही हमने एक्सपीरियंस इंटरनेशनल, हमारी सरकार ने एक्सपीरियंस लिया इंटरनेशनल का, और इंटरनेशनल में जो जिन्होंने जल्दी लॉकडाउन नहीं दिए थे उनको बहुत ज़्यादा खामजा भरना पड़ा इस बीमारी का, तो हमारी सरकार ने टाइमली लॉकडाउन करके बड़ा अच्छा किया। बट क्योंकि इसको 2 महीने हो गए, लोगों को इसके इसकी तासीर पता चल गई, इसकी संवेदनाएं पता चल गई, इसकी परेशानी पता चल गई, अब लॉकडाउन खोलना यूं भी जरूरी है क्योंकि अगर जैसे जान है तो जहान है और काम है तो जहान है, अब काम भी तो खोलना जरूरी है। अब हमें ये समझना चाहिए कि हमें लॉकडाउन के साथ ही जीना पड़ेगा, और जो वर्कर्स कहते हैं साहब इतने चले गए इतने चले गए इतने चले गए, मैं समझता हूँ ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स ज्यादा गए हैं, जिस क्लस्टर से या जिस तरीके की इंडस्ट्रीज से मैं ताल्लुक में हूँ वहां पे बहुत कम लोग वापस गए हैं क्योंकि वो स्किल्ड लेबर हैं, और बट उनके साथ दिक्कत ये हो रही कि खाने का कैसे करेंगे। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैं फरीदाबाद, गुड़गांव और इस क्लस्टर से साउथ दिल्ली बेल्ट से बात करता हूँ, तो यहाँ ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि दे इंटेंड टू पे और वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। फरीदाबाद में लगभग 50% इंडस्ट्रीज में छूट अपनी परमिशन ले ली है फैक्ट्री चलाने के लिए, और उनमें से 25-30% इंडस्ट्री 25-30% और 50% लोगों तक लेके वो कोशिश में भी है कि भाई उनको हम काम पे लाएं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और ताकि उनके यहाँ कुछ पैसे जाएं, और लॉकडाउन की पेमेंट्स भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इंडस्ट्रियल वर्कर्स को तो लॉकडाउन की पेमेंट भी हो रही है, बट अगर हम ओवरऑल इंडिया के सिनेरियो को देखें तो नो डाउट 5 से 7 स्टेट्स के अंदर स्थिति बहुत खराब है, और 5 से 7 स्टेट्स को छोड़ दें तो काफी स्टेट्स बहुत अच्छी भी हैं, और जिन्होंने इससे फाइट किया है या जहां पे केसेस बहुत कम है ये हैं, तो वहां तो नॉर्मेसी आना एक जरूरी है और आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने का सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है ये बहुत अच्छा किया है, और अब आम आदमी इसको समझने भी लग गया है, और इसके साथ हमें जीना भी पड़ेगा। जी हमें जीना पड़ेगा, बस यही एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं, कैसे चीजें चलेंगी? देखिए, मैं बेसिकली एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट इन फरीदाबाद, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी हो रहा है ये आज नई बात नहीं है। 1947 में भी, इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज अ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम दैट कंट्री। मुझे याद नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब, मेरा भी नहीं हुआ था वैसे। तो कहने का मतलब यह है कि उस टाइम भी इतनी हार्डशिप्स आई थी, बट लकीली माय पेरेंट माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एज सच। उस टाइम एक अच्छी बात थी कि देयर वाज नो डिजीज एज सच एज व्हाट इट इज दिस टाइम। तो जहां तक रहा लॉकडाउन की बात, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम भी हम रिफ्यूजीज कहलाए जाते थे, जैसे अब माइग्रेंट लेबर कहा जाता है ना, तो उस टाइम हमको रिफ्यूजीज कहा जाते थे जब हम लोग हमारे पेरेंट्स यहाँ इंडिया में आए थे। एनीवे, दिस इज द फ्रॉम कंपेयरिंग द वर्ड्स एज सच, बट यू सेड कि माइग्रेंट लेबर वर्सेस रिफ्यूजीज व्हाटएवर। जो लॉकडाउन लगा है, लेट मी टेल यू, नोबडी इंक्लूडिंग द बेस्ट ऑफ द कंट्री लाइक एडवांस कंट्री लाइक यूएस हैड एनी आइडिया हाउ टू टैकल विद इट। किसी को भी आइडिया नहीं था, यू कैन सी द फिगर्स एज सच। तो हमें सरकार को इस बारे में दोष देने का कोई
अच्छा नहीं है। जैसे आज भी राहुल जी ने बड़ा बोला कि ठीक नहीं किया, वो नहीं ठीक किया, इसका कोई और सोल्यूशन था ही नहीं, बिकॉज नो बडी वाज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू टैकल दिस। जब हो गया लॉकडाउन तो उसके बाद में ये इकॉनमी का होना भी जरूरी था। अब आपकी बात भी सही है रविंद्र जी, जब आपने शुरू किया अपना संबोधन आपने कहा कि जब उस टाइम 2,500 लोग थे और अब बढ़ के 6,000 पर डे हो रहे हैं, तो अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। वेल ये तो आप सोच के चलिए कि अगर जो लोग इसके ऊपर रिसर्च किया वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल बी इन्फेक्टेड बाई दिस डिजीज एज सच बाई अनदर 1 year और सो, और ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव एज फार एज द हेल्थ कंडीशन इज कंसर्न। सो दैट्स वाई हमें इतना वरी नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली फील वी शुड हैव अ इकॉनमी ओपन, ये 100% होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हम एक तो बीमारी से लड़ रहे हैं और दूसरा इकॉनमी और भूख से भी लड़ रहे हैं। दैट इज नॉट ए फेयर थिंग जो उन्होंने उठाया है लॉकडाउन। हमें एहतियात बरतेंगे डेफिनेटली, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया या मास्क हो गया, ऑल दीज थिंग्स अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे देयर शुड नॉट बी इशू। येस बट आई एग्री विद व्हाट अदर जेंटलमैन सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओपन टिल नाउ। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी मैन्युफैक्चर एनीथिंग वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू शिप इट टू द डेस्टिनेशन एज सच, मे बी ऑन द वे देयर इज ए लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन मीन्स टोटल कंटेनमेंट जोन में से ट्रक गुजरता है, यू कैन नॉट बी एबल टू सेल द गुड्स ऑल्सो। एट द सेम टाइम हम वी आर नॉट एबल टू गेट द गुड्स टू आवर कंपनी ऑल्सो, बट नेवर डी लेस पीपल विल वर्क, आवर लेबर विल वर्क एटलीस्ट टिल देन। एट दैट टाइम हम यहाँ पर कलेक्शन कर सकते हैं, हम अपना सामान इकट्ठा कर सकते हैं, एंड देन कलेक्टिवली बाई जून मिडल और समथिंग जून फर्स्ट वीक में हम उसको दे सकते हैं। बट अगर हम घर में बैठे रहें और यही इंतजार करते हैं कि कब खुलेगा, कब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने शुरू हो सकते हैं प्रोवाइडेड वी मेंटेन दैट डिसिप्लिन एज सच, डिसिप्लिन एज फॉर एज। अब आप सर अच्छे दिन की तो बातें ना ही करें तो बेहतर है। पुरोहित जी, जी आप क्या विचार करते हैं इस बारे में? मैं, मेरा विचार तो ये है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इतने दिन लॉकडाउन बहुत ही बहुत जरूरी था, इससे देश पूरा तैयार हो गया है, फैसिलिटीज बढ़ गए हैं, लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, एंड एक चीज़ तो पक्का है कि जब तक या तो वैक्सीन आना है या हर्ड इम्यूनिटी बनना है तो वी कैन नॉट, हम लॉकडाउन में इतने दिन तक नहीं रह सकते। सो अभी धीरे धीरे ओपन करना ही अच्छा है, एंड उसके लिए सभी लोग अभी मेंटली तैयार भी हो गए हैं। रही बात माइग्रेंट लेबर की, मैं सोचता हूँ ये एक देश के लिए बहुत बहुत बड़ा अवसर है कि ये माइग्रेंट लेबर के जो क्राइसिस है इसको हम एक बड़ा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि चाइना ने किया है। चाइना 80s में देखेंगे तो चाइना और इंडिया करीब करीब सेम इकोनॉमी थे, उनका भी वही प्रॉब्लम था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वे डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड देन दे यूज टू माइग्रेट टू सिटीज एंड दे यूज टू क्रिएट स्लम्स एंड सो सेम थिंग हैज हैपेंड हियर। टुडे इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट, इट इज देयर लिविंग कंडीशंस विच इज मेकिंग द मोर डिफिकल्ट। एंड ये जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद में ये जिस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हुआ, जिस हिसाब से वो लोग सफ़र हुए, बहुत बहुत मुश्किल है वो वापस आना है। और अभी दूसरा प्रॉब्लम जो आएगा इंडस्ट्री को कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व किया जाए, जो हमें सीखना है चाइना से। चाइना ने कैसे किया, चाइना ने 2 या 3 अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जिससे वो पूरा माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया एंड चाइना बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। उन्होंने एक अच्छा ये किया है कि हर एक फैक्ट्री में डॉर्मेटरी कंपलसरी लगाने को, सो हर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग यूनिट को माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रहने के लिए कंपलसरी डॉर्मेटरी लगाना है, वो एक बाय लॉ एक उन्होंने डिसाइड किया है। उसकी वजह से अगर आप अभी देखेंगे शेंजेन सिटी 80% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स है, एंड चाइना का हर बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट देखेंगे तो हर इंडस्ट्री के अंदर जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका रहने का और खाने का कंपलसरी व्यवस्था किया गया है। अगर ऐसी व्यवस्था अभी ये क्राइसिस को समझ के अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसी व्यवस्था करती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि अभी फैक्ट्रीज पूरी चाइना से इंडिया में ट्रांसफ़र हो रही है। ये स्टेटस में अगर माइग्रेंट वर्कर को ये फैसिलिटी कर दी जाए तो इंडिया रियली कैन बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब, कि जबकि
आज हमारी तनख्वाह जो चाइना की तनख्वाह जो है एक वर्कर की जो 4 से 5 गुना ज़्यादा है, ये हमारा एक एडवांटेज है और इससे हम पूरे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को पूरा इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं और पूरे माइग्रेंट वर्कर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है इंडिया के लिए। सो दिस क्राइसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। जी ये आप सही कह रहे हैं कि भाई क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम साथ के साथ भी देखें कि किस तरह से 27 फैक्ट्रीज जो हैं इंडिया में आने की बजाय वो इंडोनेशिया पहुंच गई। मतलब कहीं क्या रहा उनको, ICND उन्होंने समझ लिया शॉर्ट में, तो वो इंडोनेशिया पहुंच गए या क्या वजह रही। तो अगर इस क्राइसिस में भी अगर हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं आई, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं आई चाइना से हटने के बावजूद भी, अगर अमेरिका ने हमारे पास नहीं भेजी, तो हमें ये भी देखने की आवश्यकता होगी, हमारी सरकारों को देखने की आवश्यकता होगी क्या वजह या क्या कमियां हैं हमारे पास में जो बाहर का इन्वेस्टर हम इस ढंग से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया किया, हम सब जानते हैं मेक इन इंडिया का क्या हालत हुई, लेकिन अभी वक्त यहाँ पे हम ये बात करने का है कि हम जो अभी का जो पैंडेमिक है उससे हम लोग कैसे निकलेंगे। आप कुछ पैनलिस्ट में कह भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मैं बात कर भी रहा हूँ, काफी लोगों का यही मानना है कि लॉकडाउन खोलना जरूरी है। मैं भी मानता हूं कि कब तक हम घर के अंदर बंद रहेंगे, कब तक आप फैक्ट्रियां और व्यापार बंद रखेंगे, लेकिन साथ के साथ जो हम ये भी देख रहे हैं कि जो नंबर्स जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, पहले 20 लाख के टेस्ट हो रहे थे तकरीबन जो हुए हैं, तो उसमें 4% की एक स्टैटिक दर थी कि इतने ही परसेंट लोग पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, फिर वो धीरे से 6.4 हो गई और अभी हमने जो लास्ट 24 आवर्स में जो आए हैं तो जितने तकरीबन 90-95 हज़ार टेस्ट हुए हैं तो उसमें वो जो दर थी पॉजिटिव की वो 7.7%, यानी कि एकदम से तकरीबन 1.3% हाइक कर गई। तो जब अगर कोरोना पेशेंट्स इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो फिर सिचुएशन क्या होगी, यानी कि वो हालात तो ये हो जाएंगे हर घर में कोरोना होगा, हर फैक्ट्री में कोरोना होगा और उस चलते सभी चीजें कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी। अभी कल की एक ताजा खबर है कि ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी जहां पे तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं, वहां पे 3 पेशेंट्स मिले और उस वजह से उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी को सील कर दिया, जबकि वहां के रेजिडेंट्स ने कहा, वहां की एसोसिएशन ने कहा पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई जिस टावर में कोरोना संक्रमित मिले हैं आप उस टावर को सील कर दीजिए, आपने तो पूरी ही सोसाइटी को सील कर दिया। तो कई बार ये लगता है कि गवर्नमेंट भी अंधेरे में तीर चला रही है, उसके पास कोई सही चीजें नहीं है जिसके ऊपर वो एक्शन ले। तो रघुनंदन जी बात यही कर रहे थे कि अगर जब मरीजों की दर इस तरह से बढ़ती जाएगी तो उस सिचुएशन में कहीं ऐसा ना आ जाए कि हमें 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद फिर वापस हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमें जिससे हम चीजों, हम बात कर रहे हैं, आप सब लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस फैला दी है सब कुछ, आप समझते हैं जो मजदूर है उसको अवेयरनेस का ये भी नहीं पता होता कई बार, वो जब तक वो चीज बीमार नहीं हो जाता उससे सफल नहीं करने लगता तब तक उसे समझ नहीं आती है सब चीज। करेक्ट रविंद्र, आपका पॉइंट एंड इनफैक्ट बाकी पैनलिस्ट के भी पॉइंट्स परफेक्ट है। एक छोटा सा मेरे को सीख याद आ रहा है, जब भी मैं यूएस में था और एक मेरा दोस्त फ्लाइंग सीख रहा था तो एक मेरे को जॉय राइड के लिए जब भी लेके जा रहा था उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला जब भी तुम उड़ोगे ऊपर एंड अगर तुम्हारा प्लेन क्रैश हो रहा है तो दो ही चीज पे ध्यान रखो, एक है डायरेक्शन, सेकेंड है ऑल्टीट्यूड। दो चीज पहले देखो, बाकी सब हम देख लेंगे, तुम्हारा प्लेन ऊपर नीचे जा रहे हैं क्या, अगर तुम लैंड कर पाओगे बाद में नेक्स्ट स्टेप वी विल सी व्हाट विल हैपन। तो अपने जो अभी कंडीशन है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, देर किसी के पास भी रूल बुक नहीं है, ये जो रूल बुक है क्रिएट करते जा रहे हैं लोग, अपना अपना जो आइडियाज है दे रहे हैं, कुछ आइडियाज अच्छे हैं कुछ आइडियाज बहुत बुरे हैं। जो बॉम्बे फ्लू हुआ था 1914 में, स्पैनिश फ्लू या बॉम्बे फ्लू बोला जाता है, उसका तो आज भी रिकॉर्ड्स भी नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है स्कूल में हमको कभी पढ़ाया गया कैसे 40-50 crore पीपल हैड डाइड वर्ल्ड वाइड। सो वो जब ही हुआ था एंड आफ्टर दैट द वर्ल्ड हैज सर्वाइव, अपनी इम्यूनिटी बनते जा रही है एंड आगे बढ़ेगा। सो टू थिंग्स इन दिस, अगर लोग पौष्टिक खाना खाएंगे, अगर मेडिसिन होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेटअप, तो अगर बीमार भी गिरेंगे तो फिर ठीक हो सकते हैं। अगर इकोनॉमी अगर पूरा डाउन है, गवर्नमेंट के पास टेस्टिंग करने के लिए जब भी किट्स ही नहीं। जगदीश जी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, आप जो आप कह रहे हैं ना पौष्टिक खाना खाएंगे, किसके लिए कह रहे हैं आप, हमारे लिए कह रहे हैं या जो मजदूर भाई हैं उनके लिए कह रहे हैं जिनको बेचारों को खाना ही नहीं, जिनको खाना ही नहीं मिल रहा, पौष्टिक खाने की तो बात ही मतलब सेकेंडरी आ गई। करेक्ट, तो आपको अगर घर पे बैठ के अगर माइग्रेंट कैंप में जाके जो गवर्नमेंट दे रहा है वो खाना है
या काम पे आके काम में जो कमाते थे और जैसे पहले खाते थे वो खाना है, वो चॉइस मजदूर का है, बस हमारा नहीं है। अगर इफ वी वांट टू पे आउट, हम तो चाहते हैं कि हमारा हर एक आदमी जो है काम पे आए, हमारा हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो काम कर रहे हैं उनको अगर हमने सब पगार दिया और जो घर पे बैठ के उनको भी पगार दिया, इज दैट पैरिटी इनफ? देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी डीमोटिवेशन, पॉसिबल नहीं होगा ना। अगर अफोर्ड कर भी सकता है तो एंटरप्रेन्योर एमएसएमईज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व 10-15 दिन के होते हैं, अभी तो 2-2 महीने हमने संभाले हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगा उसमें काम? सो उस हिसाब से गवर्नमेंट के साथ हम हैं कि डोल्स नहीं चाहिए, जो जो जैसे बोलते हैं ना, टीच अ मैन टू फिश एंड ही विल ईट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू गिव हिम अ फिश टुडे, टुमारो ही विल लिव हंग्री। सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग, दैट सब कुछ फ्री देने से काम नहीं होगा। इफ यू रीस्टार्ट द इकोनॉमी, इफ थिंग्स स्टार्ट मूविंग, इफ यू नो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, देन पूरा चेन में पैसा फैलेगा। वो जो सपोज इंफ्रा प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने डाल के चालू अगर कर दिया है, उसका उसमें जो मजदूर है उनको लगेगा, उसके लिए जो मशीनरी लगेंगे उनको लगेंगे, उसका जो सप्लाईज है उसका लगेगा, आजू बाजू के जो खाना पीना बनाते हैं उनका लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, दी एंटायर इकोनॉमी विल गेट डन। बट इफ यू जस्ट से दैट लाइन में खड़े रहो और उनको लाइक यू नो भीख जैसे खाना देते जाओ, आई मीन आई हैव बीन टू सम ऑफ दीज स्कैम्स एंड इट इज पैथेटिक। जो अभी हम देख रहे हैं कि ताज और ये सब कर रहा है, दैट इज अ रियली गुड पार्ट, बट अगर आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट म्युनिसिपल स्कूल में वो खाना पका के जो दे रहा है, बेचारा खा नहीं पाता है मजदूर भी, तो रघुनाथ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरी बात ये आती है कि गवर्नमेंट कुछ एक लिमिटेशंस हैं सभी के पास, अगर आप जैसे लोग भी अगर उद्योगपति भी आके अगर सड़कों पे डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन, आप खाना दे रहे हैं बट जो इन्फेंट है, जो बच्चे हैं जिनको दूध की आवश्यकता है, वो सब कहाँ से आएगा? तो वो एक बड़ा चैलेंज है। राधाकृष्णन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई लॉकडाउन खोलना है, जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, तभी अर्थव्यवस्था भी आगे खिसक पाएगी। क्योंकि एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीने, कितने दिन तक आप सब कुछ ठप रखेंगे? लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो आप लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज में क्या ऐसे प्रिकॉशंस लिए हैं जिससे जो काम करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें? सी, करंटली ये जो COVID-19 जो है उसकी क्योर तो किसी के पास आज की तारीख में नहीं है, ये तो हमारे साथ रहना है और शायद पता नहीं कितने दिन तक रहने वाला है। वी ऑल एक ही चीज है, हमें सभी को इम्यूनिटी क्रिएट करना है हमारे अंदर, कि ये तो ये जो 60 दिन की जो हमारे पास घर बैठते की स्थिति हुआ था, उसके अंदर काफी आदमी ने अपने आप को थोड़ा इम्यूनिटी क्रिएट कर रखा है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन मस्ट हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इम्यूनिटी टुवर्ड्स दिस, बट यस वंस दे कम, अगर वो बाहर आके एक्सपोज हो जाए तो शायद हमारे डिसीज और भी इंक्रीज होना है। ये लॉकडाउन ओपन होने से ये नहीं कि हमारे पास कम हो जाने वाला है, थोड़ा हमारे पास इंक्रीज होने वाला है। पर एक ही चीज है, हमारे पास जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी और ये पेशेंट को अटेंड करने की फैसिलिटी जो है वो तैयार रखने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है, शायद काफी कुछ आगे भी करेंगे, पर करंट सिचुएशन में ये जो हम ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि हम भाई 6-6 महीने तक कोई फैक्ट्री बंद नहीं रख सकते, कोई कंपनी बंद नहीं रख सकते हैं। और ये नया अगर हम सारे ऐसे घर बैठे रहें तो शायद हम, मुझे लगता है एक नया बीमारी शुरू हो जाएगा दिमाग की, तो दिमाग की बीमारी शुरू होने से पहले हमें ओपन करने की जरूरत है, हर आदमी बाहर जाने की जरूरत है। तो वॉट हम जो हमारे फैक्ट्री वगैरह में हम जिधर भी हम बात कर रहे हैं, हर आदमी सोच रहे हैं किस तरह की हम लोग इक्विपमेंट ले रखे ऑफिस में, जैसे अंदर घुसने के टाइम सैनिटाइजेशन कैसे करें और हर आदमी को डिस्टेंस कैसे करें। अभी डिस्टेंसिंग जो करना जो है जो बड़ी तकलीफ वाली काम है, क्योंकि जैसे बम्बई जैसे शहर में स्पेस की बड़ी कंस्ट्रेंट है, तो पास पास में आदमी बैठते हैं, तो हम हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काफी आदमी ये सोच रहे हैं, हम लोग मतलब आवर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शायद हम लोग 24 घंटे काम करेंगे, 8-8 घंटे की आदमी को 1/3 आदमी को बुलाएंगे, या हम लोग एक 50% आदमी को एक हफ्ते बुलाएंगे, 50% आदमी दूसरे हफ्ते बुलाएंगे। एट द मोमेंट हम लोग तो काफी सीख भी गए हैं घर बैठे काम करने की, तो हमारे हर आदमी को ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे मेजरली अबाउट 30% ऑफ द पीपल आज की तारीख में हमें लगता है कि घर बैठे काम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आदमी जो आना है उनको हम डिस्टेंस करना है। पर हमें एक मेजर प्रॉब्लम हमारे को ये हो रहा है, जैसे अगर हम पोर्ट में जाए या अगर हम जाए एयरपोर्ट में जाके काम करें, जिधर कार्गो को हमको पिक करना है, डिलीवरी देना पड़ रहा है, उस जगह में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है,
उस जगह में प्रॉपर डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है। पर इसके अंदर मुझे लगता है सिर्फ हम गवर्नमेंट को ब्लेम करने से हम जनता को भी हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी ये सीखने की जरूरत है। मैं ये देखता हूँ कई बार गवर्नमेंट लॉकआउट खुल देते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे शहर भर जाता है ट्रैफिक से। तो ये तो हमें भी थोड़े शायद हम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो जो भी है, हर आदमी को गवर्नमेंट को साथ देना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट बंदी बना के लॉकडाउन तो नहीं कर सकते हैं, हमें अपने आप को वी आर गॉट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। ये तो दिस इज तो गवर्नमेंट के पास भी क्यों नहीं है जी। राधा कृष्ण जी एक चीज है, आप मुंबई से हैं और मुंबई इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि नंबर वन स्टेट बना हुआ है, नंबर वन सिटी राधर बना हुआ है, महाराष्ट्र नंबर वन है, मुंबई नंबर वन सिटी है। तो किस तरह से वहां पे कोप अप हो रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से वहां पे तेजी से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 दिनों में वहीं पे 1,00,000 नंबर्स हो जाएंगे। सी हमारे जो सिटी के अंदर जो एरियाज जो पॉकेट्स है वो तो कई जगह पे अफेक्टेड है, यहाँ पे ज्यादा स्लम कॉलोनीज है, वहां पे जो क्राउडेड पीपल एकदम दे डोंट हैव इनफ स्पेस टू लिव टुगेदर, जहाँ पे 6-6 आदमी एक एक कमरे में रहते हैं, 12-12 आदमी कमरे में रहते हैं, उस इलाके में फैला हुआ है। बट ऐसे अगर देखा जाए तो काफी जगह में फ्री है, काफी जगह खुले हुआ है, काम पे मेंटेन होता है, आदमी लोग को अपने अपने घर पे रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी के रहते हैं। पर ये जो इवन इन महाराष्ट्र अगर आप सोचें तो जिधर फैक्ट्रीज है उस जगह फिर भी चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 40,000 फैक्ट्रीज ऑलरेडी शुरू कर चुका है, they are working, even I know my own neighbors who have got factories, they are all working. But it is that there is a pocket, as it is a city which is a made of, you can agar Europe ke kai countryon ke equivalent hamare Bombay ki population hai, to isko maintain karna itna aasan nahi hai. Aur jahan pe ye jo slum colonies hai, crowded colonies hai, uske andar ek zarur problem hone wala hai. Hamare ek panelist ne bataya कि सिर्फ 7 स्टेट में मेजर प्रॉब्लम है, ये 7 स्टेट जो है यही तो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, ये जो 7 बड़े स्टेट के अंदर जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेटों में ही तो प्रॉब्लम है। तो बाकी स्टेट जो जीडीपी की जी कंट्रीब्यूशन उनकी कम है, उनकी पॉपुलेशन भी कम है, तो हमें इसको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। यस पीपल गेट स्कैर्ड, हम भी मुंबई वाले हैं, हमें भी डर लगता है कई बार कि बॉम्बे की क्या होगा, पर आई डोंट थिंक वी नीड टू सो मच फियर इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड इफ यू आर एबल टू ब्रिंग ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन अमंग दिस कलीग्स, दैट इज व्हाट इज माय थिंग। एवरीबॉडी शुड फॉलो डिसिप्लिन एंड ओपन तो होना चाहिए जितने जल्दी हो सकता है, 30% ओपन करे, आई थिंक बिफोर पॉसिबली जुलाई तक हमें तो 70-80% ओपन करना ही पड़ेगा, 70-80% ओपन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आ रही निकल के भी सेल्फ डिसिप्लिन होने की। नरेश वर्मा जी, जिस तरह से अगर लॉकडाउन भी खुलता जा रहा है, लोग अगर धीरे धीरे जैसे भी देर सवेर जो भी पहुंच रहे हैं काम करने वालों फैक्ट्रीज एंड ऑल में, तो वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है, जिस तरह से राधा कृष्ण जी ने भी कहा कि भाई हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के पास नहीं है, हर जगह चाहे फैक्ट्रियां छोटी होती हैं, जब लगता है कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है तभी हम लोग बड़ा एरिया ले पाते हैं, क्योंकि मुश्किलें सभी को है, क्योंकि सभी को सर्वाइव करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की बात कर लें, नॉर्म्स के अलावा हम अगर खुद भी सेल्फ अवेयरनेस की बात कर लें, तो कैसे फैक्ट्रीज वगैरह सब मेंटेन करेंगे लोग? मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं फरीदाबाद का। फरीदाबाद में जितने यूनिट्स खुले हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जिन्होंने परमिशंस ली हैं, दे आर मेंटेनिंग एक्सलेंट पैरामीटर्स फॉर द लॉकडाउन, मतलब इतने बेहतरीन, किसी की 5 या 6 वर्कर भी आए हैं 15 में से या 20 में से, और बड़ी फैक्ट्री में तो ये सुविधा है ही है। तो गेट पे सबका टेम्परेचर लिया जा रहा है, हाथ धुलवाए जा रहे हैं, हाथ धुलवाने के बाद ही फिंगरप्रिंट मशीन पे निशान लगाया उंगली से प्रिंट लिया जा रहा है, और उसके बाद अंदर भी फैक्ट्री के अंदर भी यही सब हो रहा है, लंच टाइम में भी उनका लंच टाइम का अलग है। मैं कह रहा हूँ इतने खूबसूरत तरीके से, ना सिर्फ यहाँ, मैं दुकानों की बात कर रहा हूँ, मैंने जिस दिन 22-23 तारीख को लॉकडाउन घोषित हुआ था, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, लोग दुकानों पे टूटे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, आटा दे दो, ये दे दो, हम स्टोर कर ले, हम ये कर ले, वो कर ले। बट एक हफ्ते के बाद सिचुएशन वही आ गई, सब लोग एक डिस्टेंस बना के एक लाइन पे खड़े हुए हैं,
यहाँ नहीं गाँव में भी है। गाँव का तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हुआ है हमारे इंडिया में कि सरपंचों ने कोई भी बाहर से आने का खुद पहरा दे रहे हैं, टीम वर्क लगा हुआ है और अपने गांव में किसी भी आने वाले का वो कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और बहुत अवेयर हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं। और इसका जहां तक मैं थोड़ा बहुत डाटा जानता हूँ तो हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक के केसेस कम हो गए, जनरल बीमारियों के केसेस जाने कम हो गए, और यहाँ तक कि एक हमारे फैमिली फ्रेंड है तो वो डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट, वो कहती पहले जितनी डिलीवरीज नॉर्मल होती थी और जितनी ऑपरेशन से होती थी अब वाइस वर्सा हो गया जी, अब नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होने लग गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमको एक सीख मिली है कि लॉकडाउन के बाद के हमको ऐसे सफाई मेंटेनेंस ये सब करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी सीख है इकोनॉमी के लिए। फिर गवर्नमेंट को सीख मिली है जो गवर्नमेंट ने किया वन राशन कार्ड वन नेशन, उससे ये माइग्रेंट लेबर या हमारे जो भाई हैं जो काम कर रहे हैं इतनी दूर से परिवार से छोड़ के आते हैं उनके लिए बड़ा सुविधा है। इससे पहले नेट बैंकिंग से सुविधा हुई उनको, हर तरह की बैंकिंग UPI ये वो स्कीम्स आई हैं, मोबाइल से ट्रांसफर, इन सब से बड़ा फायदा हुआ है। और मैं समझता हूँ जैसे एक पैनलिस्ट ने अभी बोला कि हम चाइना को फॉलो करेंगे, मैं समझता हूँ अब हम इंडस्ट्रीज ये देखा करेंगे कि भाई हाँ इनकी बेटर वर्क लिविंग कंडीशंस कैसे हों ताकि कल को ऐसी कोई आपदा आए तो ये जाए ना। तो दिस इज ए पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द इकोनॉमी और पॉजिटिव साइन यू भी है। अगर 27 कंपनियां वहां जाती है, इट इज टू अर्ली टू से, इंडिया में आने वाले टाइम के अंदर आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, मैं इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि इंडिया क्योंकि नंबर वन पूरे अर्थ के ऊपर मोटरसाइकिल बनाने में नंबर वन है, नंबर टू कार बनाने में है, नंबर टू ट्रैक्टर बनाने में है, हम पे बहुत स्किल है, बहुत स्किल है, और हम पे लोग अभी जियो में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस एपिडेमिक के दौरान। मैं समझता हूँ आगे बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है क्योंकि हम लोग अपने हर आदमी की सोच में आ गए कि भाई लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे जाना, मिडिल लेवल से अपर लेवल में जाना। और आज एक छोटी सी खबर होती है, हर वर्कर हर लेबरर हर जगह TV सुनता है, FM सुनता है, TV देखता है, FM सुनता है, तो दे आर अपडेटेड एवरी टाइम। सारी बातें हैं और अपडेटेड भी हैं, लेकिन उन सबके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरह से नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। राज भाटिया जी लिख रहे हैं, आई वंडर वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विच इज अ मस्ट, बट वेयर दीज वर्कर्स स्टे दे आर 4 to 6 टूगेदर एंड रिमेंबर वी आर ओपनिंग इन स्टेज 4 ह्यूमन टू ह्यूमन। जी राजी आप सही कह रहे हैं, पुरोहित साहब जो भी राज भाटिया साहब ने भी कहा और सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं, अब जैसे जैसे ये लोग अगर अभी तो जब भी पहुंचेंगे जितने भी वर्कर्स हैं मजदूर हैं अपने अपने घरों में और जब भी वापस आएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि अभी 1.5-2 महीने से पहले ये लोग वापसी करेंगे, हो सकता है ये 3 महीने हो जाए या जब उनके पास बेचारों के पास वहां पे कुछ खाने को नहीं रह जाएगा तब शायद वो शहर की तरफ वापस आएंगे। तो इस सिचुएशन में जो हम लोगों की इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से चलेंगे और कैसे सरवाइव करेंगे, या हम उनको क्या एश्योरेंस दे के वापस बुला सकते हैं? पुरोहित जी आप ठीक है, प्रॉब्लम होने वाला है, इज आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल सर। या सो ये तो हर इंडस्ट्री का अभी प्रॉब्लम होने वाला है कि जो जिस हालत में जो वर्कर्स गए हैं उनको वापस लाना है बहुत ही मुश्किल। पुरोहित साहब का सिग्नल थोड़ा थोड़ा सा वीक हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। जी पुरोहित जी आप शायद आप बोल पाए। पुरोहित साहब का सिग्नल वाकई में काफी वीक है, टेक्नोलॉजी कई जगह धोखा दे जाती है। हाँ पुरोहित साहब आप बोले, शायद मुझे लग रहा है कि फ्रेम आपका ठीक हुआ है। नहीं पुरोहित साहब का सिग्नल ठीक नहीं हो रहा है। रघुनंदन जी, जी हाँ मैं पुरोहित साहब के पास बाद में आता हूँ, तब तक हो सकता है उनका कुछ नेटवर्क बेहतर हो जाए। मैं कह रहा था कि हम जो वर्कर्स गए हुए हैं जैसे जैसे कहा कि हो सकता है उन्हें वापस आने में 2-3-4 महीने का वक्त वो लें, क्योंकि अभी भी वो देखिए पहुंच ही रहे हैं, अभी सारे पहुंचे नहीं है। तो जब वापस आएंगे या उनको वापस बुलाने के लिए
आप लोग ऐसा क्या एश्योरेंस उनको प्लान कर सकते हैं, ऐसा क्या मैसेज कन्वे किया जा सकता है कि जिससे उनको लगे कि हाँ भाई वापस जाना हमें सेफ है, हमें वहां पे काम किया जा सकता है? देखिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ से जो गए डर के नहीं गए, उनको 2 महीने से उनके उनके जो परिवार वहाँ है उनके लिए उनको डर लग रहा है। सेकेंडली जैसे बोल रहे थे हम सोशल डिस्टेंसिंग में, वो लोग जो 7-8 लोग एक रूम में रहते थे, डेफिनेटली रिस्क उसमें ज़्यादा ही है। सो उनको लगा कि अभी इसमें से स्टॉप गैप लेके जाएंगे, वहाँ थोड़ा रुकेंगे, कम होने के बाद वापस आएंगे, बट वो भ्रम है क्योंकि कम तो होना नहीं है। अभी जैसे आज ही हमने वो बैड डॉक्टर के बारे में सुना था, वो तो बोल दिया दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, चाइनीज बैड डॉक्टर जो है बोल दिया अभी आगे और आना ही है। सो विद दैट ह्यूमैनिटी क्लॉज जो है, जो हमारा इम्यूनिटी है और हमारा वे ऑफ लिविंग ही पूरा चेंज होने वाला, बिकॉज दैट इज़ अ न्यू नॉर्मल। उससे अगर डर के हम जिएंगे तो कितना तक जिएंगे मालूम नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि गांव में बैठ के वो खेती तो नहीं कर सकता, अगर करने का उसको चॉइस था तो कभी शहर में आके झोपड़पट्टी में नहीं रहता था, अगर उसके घर में गांव में इतना सारा अगर खेती सब है। अनफॉर्चुनेटली द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैन नॉट फीड सो मेनी माउथ्स, तो इसके लिए वो सिटी में आके जो लाइक एक जगह पे सपोज 15-20 साल अगर रुका है तो उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी और उसको लगता है कि अभी थोड़ा बेटर हो गया, वापस डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और हमारे तरफ से भी एम्पथी से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर एक आदमी तो छोड़ के भाग रहा है, हम उसको भगोड़ा नहीं बोल रहे हैं, भगोड़ा है ही नहीं वो, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बींग, फॉरगेट द वर्कर पार्ट, ही वॉन्ट्स टू सी हिज फैमिली। मैं अगर 3 दिन मेरे फैमिली से दूर रहूँ और मैं जानता हूँ कि वो लोग एक डेंजरस कंडीशन में है, मैं भी चाहूँगा कि उनको जाके एक बार देख लूँ, सब सेटल करूँ, जब भी आंखों से देखूंगा फिर मैं वापस जाऊँगा। That is the same mentality they are doing. So we are living, understanding, जितना understanding हो सके उतना कर रहे हैं। But अगर कोई सोचता है कि 4-5 महीने वहाँ गाँव में रुक के सेटल करके खेती वेती करके वापस आ सकता है तभी उसका नौकरी उसके लिए रहेगा, दैट समथिंग दैट कैनॉट बी प्रडिक्टेड टूडे, कि कल काम हो के नहीं हो, वेदर उसके जगह पर किसी और को लिया है कि नहीं लिया है, वो डेफिनेटली हम लाइक अज्यूम कर ही नहीं सकते। और अगर एक्चुअल नॉर्म्स अगर देखा जाए तो यहाँ से जब निकल के वहाँ पहुँच गया, सपोज उसको 3 दिन लग गया, उसको 14 दिन अगर क्वारंटीन में बैठना पड़ा तो 17 दिन तो वहीं पे निकल गए, और वहां से जब भी वो वापस आएगा वापस 14 दिन उसको क्वारंटीन बॉम्बे में बैठना पड़ेगा, तो हाउ विल ही सस्टेन, दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो वो क्वेश्चन जो है, बट ये टाइम पे जो है लॉजिक नहीं चलता, इमोशंस चलता है, इमोशंस है, इमोशंस ही बहुत सारी, हमारी कंट्री इमोशनल है पूरी तरह से। राधा कृष्णन जी जैसे कह रहे हैं, रघुनंदन जी इमोशंस चलते हैं, और डेफिनेटली अगर कोई भी मजदूर या कोई भी हम आप लोग ही फंसे होंगे कहीं दूर, तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी यही होता है कि जब कुछ करने को नहीं है तो क्यों ना हम घर ही चले जाएं, क्योंकि अगर आप देखें कर विदेशों से भी लोग वहाँ यहाँ आ रहे हैं वापस, जब वहाँ पे भी उनको कुछ करने को नहीं है, कुछ काम नहीं है, वहाँ सब लॉकडाउन हो गया, तभी तो वो वापस घर आना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो भी भगोड़े हैं या वो भाग के आना चाहते हैं, जब काम नहीं तो वापस आएंगे। लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न जो मैंने शुरुआत में बात करी थी, जब सरकार अपने खजाने की तरफ देखती है, अपने बैंक अकाउंट्स की तरफ देखती है, तो उसे लगता है कि मुझे नियम कानून में बंधना नहीं है। यानी कि जब आपके लिए, हमारे लिए, व्यापारियों के लिए अगर कुछ बनाती है तो बहुत सारे नॉर्म्स बना देती है, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे, आप 33% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को के साथ काम नहीं कर सकते हैं, 40% के साथ नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी सारी बाउंडेशंस लगाती है, जैसे कैब्स में लगा दी कि भाई 2 से ज़्यादा सवारियां वो नहीं ले जा सकते, ऑटो में लगा दी कि 1 से ज़्यादा सवारी नहीं ले जा सकते। अगर सपोज करिए मैं कैब में कभी ट्रैवल नहीं करता हूं, मैं ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करता हूं, जो मुंबई में मैं समझता हूं लाइफलाइन है, तो अगर मान लीजिए एक फैमिली में 3 लोग, मैं ऐसे बात कर रहा था घर में, हमने कहा अगर एक फैमिली में 4 लोग हों और किसी को कहीं जाना हो तो क्या वो 4 ऑटो के साथ जाएगा, वो एक काफिला बना के चलेगा? लेकिन जब सरकार की बात आती, सरकार कहती है कि भाई फ्लाइट हमने खोल दी हैं, तो वहां पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं है। हम सब जानते हैं कि फ्लाइट्स में कैसे हम लोग, अगर इकोनॉमी क्लास होती है तो किस तरह से हम लोग चिपक चिपक के बैठते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 2 घंटे की फ्लाइट में भी अगर बीच में कोई बीच वाले बंदे ने, या मतलब जो अंदर विंडो साइड बैठा उसने कह दिया कि 2 बार उसे लू जाना पड़ गया, तो जो एल शीट पे बैठा हुआ तो उसे कितने मतलब हिकारत की नजरों से देखता, हम सब जानते हैं कि डिस्टर्ब कर दिया। तो जब वहां वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं देख रहे हैं, अपने रेवेन्यू का जब बात आती है तो वो सारे नॉर्म्स को भूल जाते हैं, जब अपने रेवेन्यू की बात आती है तो लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर जो पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर टैक्स की ड्यूटीज बढ़ा देते हैं,
जब अपनी रेवेन्यू की बात आती है तो शराब की दुकानें खोल देते हैं कि हमें रेवेन्यू चाहिए। तो आम आदमी जो आम व्यापारी है जिसको सरकार को भी चलाना है, यानी कि जब आप टैक्स नहीं देंगे, जीएसटी नहीं भरेंगे, तो सरकार के पास खजाना कहाँ से आएगा? तो हमारे लिए क्या नॉर्म्स अलग हैं और सरकार के लिए क्या नॉर्म्स अलग हैं? क्या ऐसा ठीक है होना? मैं ये समझता हूँ कि हम जो व्यापारी या हम ट्रेडर या इंडस्ट्रीज हो, हमें सिर्फ सरकार को देना है। हम सरकार से कुछ लेने की सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम सोचे तो सरकार तो देने देना तो नहीं चाहते, ऐसे सरकार तो लेना ही चाहता है। 20 लाख करोड़ दे रहे हैं, देने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं अलग बात है। हमें तो जरूर, हमारे को एक है कि हम सोचते हैं हमारे वर्कर हमारे फैमिली है, हम उनको देखभाल करना है, तो हम अभी भी सैलरी उनको कैसे देना है उसकी सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते भाई उनको सैलरी काट के कैसे दे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जैसे जगन रघुनंदन जी बता रहे थे कि हम लोग एक इमोशनली हमारे वर्कर के साथ अटैच रहते हैं, हम उनके फैमिली से जुड़े रहते हैं। हमें ये लगता है कि हम उनको देखभाल करना है, वो हमारे फैमिली है। ये जो कंपैरेटिवली देयर आर सम मल्टीनेशनल में सैक 2000 वर्कर्स, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि जितनी जल्दी हम वर्कर को ये नहीं करते। आप जो बता रहे थे रिगार्डिंग दिस ऑटो में रेस्ट्रिक्शन है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन एयर ट्रैवल, मुझे लगता है कि एक शुरुआत है। ये तो अभी हमारे ज्यादा आदमी घूम भी नहीं रहे हैं, ज्यादा आदमी बाहर भी नहीं जा रहे हैं, ये शुरुआत है। मुझे नहीं लगता है ये लंबे दिन तक गवर्नमेंट ये कानून लागू कर सकते हैं भाई सिर्फ एक ही आदमी एक ऑटो में जाओ। इट इज इम्पॉसिबल टू पुट दिस इन टू ए implementation later once the entire thing opens. And another thing is we are going to open up. I think I feel that things will be better off, and I don't think we need to so much worry about these migrant workers. वो भी वापस आएंगे जरूर, मुझे लगता है कि they will come back, because उनकी अभी जैसे रघुनंदन जी बता रहे थे उनको अपने family को जाके मिलना है क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं है, but they all will come back. According to me they all will come back. But it may be not immediate, it may take little longer time. But there is a need for all of us, whether the citizen of India, industrialist, government, together we all have got to think, ye jo community jo hai, jo comparatively not privileged hai, underprivileged hai, inko hum kya kare, kaise inko hum suvidha rahe de. Jaise Bombay mein jab textile mill shuru hua tha, wahan pe textile workeron ke liye jo chaal banaya tha, Bombay ki jo chaal system initially, it is because of the textile mills. The workers used to come and stay alone with a one room and a toilet. That currently, later on it became, they started living with family. Hame ye jo inki somewhere, hum ye jo workeron ki rehne ki jo jagah ki humne proper planning nahi kiya hua hai, jaise bhi city development hua hai. So kya ho chuka hai ki hamare paas ye slum development kafi ho chuka hai, because they just thought that they got to go and stay in somewhere for working. तो हमें इसको डेफिनेटली देयर शुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ बोथ वेदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वी शुड लुक एट हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दे हैव अ बेटर लिविंग कंडीशन। ये जो अगर हम करें तो हिंदुस्तान डेफिनेटली विल बी अ बेटर प्लेस। एंड आपने एक चीज बताया कि हमारे इधर लाइक अदर कंट्रीज में चले जा रहे हैं जो चेन्नई से फैक्ट्री जो हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, इसकी हमारे एक मेजर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि हमारे जो कोई भी जो गवर्नमेंट इवन परमिशन दे, वी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्टिविस्ट हु अपोज एनीथिंग दैट इज गुड बीइंग डन, एंड वी गेट इनटू अ प्रॉब्लम अबाउट अपोजिंग द एंटायर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट इट इज गुड फॉर द कंट्री, वी अपोज एंड वी डोंट अलाउ एनी ऑफ दिस फैक्ट्रीज टू कम अप। सो देयर इज अ फियर अमंग द इन्वेस्टर्स और द न्यू इंडस्ट्रीज वांट टू कम टू इंडिया, वो सोचते हैं भाई यहाँ पे आके हमारे फैक्ट्री आगे बढ़ेगा कि बंद हो जाएगा। ये डर जो है उनसे निकलना चाहिए, उनको हमारे तरफ से कोई भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बट मुझे पता नहीं कि चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, हम तो यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर चीज के लिए आदमी अपोजिशन कर सकते हैं। तो इस चक्कर में हमारे को आगे बढ़ना, हमारे पास काफी कुछ भी अगॉट ऑब्स्टेकल्स जो है हमारे पास आगे बढ़ने की। तो आई थिंक दिस आई डू नॉट नो हाउ वी विल रिजॉल्व, मे बी डिबेट डिस्कशन लाइक दिस, आप जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ब्लंटली स्पीकिंग जैसे चैनल के थ्रू हम अपने अपने विचार शेयर करने के बाद शायद ये बहुत अच्छी तरह बदल सकता है। विद दिस आई थिंक, अदरवाइज आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू हैव वे, आई फील दैट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो,
फ्यूचर इज विथ इंडिया, इट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑन विच वी आर इन when we are having this type of a problem because of COVID, which was never expected. But I think 20, like हमारे PM जो बता रहे थे, future is India and India is going to be one of the topmost country of the world. जी राधा कृष्ण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो फ्यूचर है और हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक रहना ही चाहिए कि हमें आगे बढ़ना ही है, एक ना एक दिन हम बढ़ के रहेंगे. नरेश जी, लेकिन जो अभी सिचुएशंस जो बन रही हैं, इनको आप क्या देख रहे हैं? क्या हम अगले 3-4 महीनों में नॉर्मलाइज होने की कुछ लग रहा है, आपको लग रहा है सिचुएशन कि हम 3-4 महीने में नॉर्मल रूटीन पे पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर एक तरफ नंबर इस तरह से बढ़ते रहेंगे और एक तरफ हम फैक्ट्रीज एंड काम सब खोलते रहेंंगे, सारा ट्रेवल खुल जाएगा, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा लोग डर के मारे घर से ही बाहर निकलना बंद कर दें? पहली बात तो नंबर को दोनों तरीके से देखना चाहिए कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट कितना अच्छा है, वर्ल्ड में सबसे टॉप है. हमारे यहाँ डेथ रेट कितना कम है, वर्ल्ड में सबसे कम है, इवन लेस देन 3%, 0.3%. और इसके साथ साथ अवेयरनेस कितनी आई है, इतनी आज तक अमेरिका में और जहाँ पे 1-1 लाख लोग के करीब पहुंच गए हैं मरने में, या 50,000 से ऊपर पहुंच गए हैं छोटे छोटे कंट्रीज में, हमारे यहाँ अवेयरनेस कितनी है. आप कोई ट्रेन देख लो, कोई जगह देख लो, हर वर्कर, हर आदमी मुंह पे कपड़ा बांधे हुए है, डिस्टेंस मेंटेन किए हुए. बाकी आप कह रहे हैं 3 महीने, ये तो बड़ा मुश्किल है. मैं समझता हूँ कि ये इट विल टेक अनदर 9-12 months के हम एक नॉर्मेसी पे पहुंचे. अगर जो ट्रेंड इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज का रहा है और वही ट्रेंड से हमारे यहाँ भी केसेस कम होते हैं, तो मैं समझता हूँ इट विल टेक अनदर दिस होल ईयर के हम उसी उस पे पहुंचे. बट उसके बाद जो हमारी ग्रोथ होनी है, आप समझिए कि सरकार वर्कर्स की रहने की जगह के ऊपर भी होगी, उनके हाइजीन पे भी चिंता करेगी और उनके मेडिकल उस पे भी चिंता करेगी. और आगे देखना, जो आज हर नरेश जी वो जब चिंता करेगी, वो सारा काम करेगी, वो भी बहुत फ्यूचर टेंस है. अभी तो हमें करंट सिचुएशन में देखना है कि अभी जो श्रमिक पहुंचाए जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों को, उनके साथ अभी कितना हाइजीन और उतना कितना खाने पीने की व्यवस्था हो रही. अभी हमें तो करंट पे सरकार की तरफ से अगर वो कुछ इम्प्लीमेंट कर लेती है वो बहुत अच्छा है. फ्यूचर तो जो करेगी वो अच्छा ही करेगी, मैं समझता हूँ कुछ लेके. पुरोहित साहब का मुझे लग रहा है कि सिग्नल दोबारा से कनेक्ट हो पाए हैं पुरोहित साहब से. पुरोहित साहब, पुराने वाले क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन आपको और ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार के जो एक्शंस हैं, चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कभी मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप अस्पताल में मोबाइल नहीं ले जा सकते क्योंकि मोबाइल से कोरोना फैलता है. तो लेकिन शायद मुझे लगता है उनके पीछे ऐसी मंशा रही होगी कि अगर कोई मोबाइल ले जाएगा और वहां से वीडियो या फोटो खींच के लेके मीडिया में दे देगा तो हमारी किरकिरी होगी. क्योंकि एक दूसरी तरफ वो कह रहे थे आरोग्य सेतु भी होना चाहिए मोबाइल में, तो बड़ा कंट्राडिक्टरी कई बार सरकारें बात करती. दूसरी तरफ जो अभी लॉकडाउन, जब फर्स्ट लॉकडाउन खोला था उसमें 3.5 घंटे का समय दिया था सरकार ने, तो उस समय शायद अगर समय थोड़ा सा 2 दिन का ज्यादा मिला होता, 3 दिन का, तो जो अभी जो श्रमिक लोग हैं वो शायद घर पहुंच जाते, इतना वो नहीं आता. दूसरा, अभी जब हमारी सरकार ने भी करंट में फ्लाइट्स आज से ओपन करी, कल से, और कल जब फ्लाइट ओपन करी तो आपने देखा कि दिल्ली से ही, मतलब आपने जरूर न्यूज वगैरह में देखा होगा, दिल्ली से ही तकरीबन 82 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, 82 फ्लाइट्स रद्द हो गई. अब जो 82 फ्लाइट रद्द हो गई, तो क्या गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग नहीं करी? पहले वो अनाउंसमेंट कर देते हैं उसके बाद सारी प्लानिंग करते हैं. प्लस कहीं आप देखते हैं कहीं जानी होती है ट्रेन, वो गाना था ना एक, जाना था चीन पहुंच गए जापान, इस तरह का. तो अभी एक ट्रेन जो है बिहार जानी थी और वो ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई. तो मतलब ये किस तरह की सरकार प्लानिंग कर रही है या क्या बिना प्लानिंग के काम कर रही है? ये तो पूरा कोविड ही नया है, तो ये तो दिस आर राइट से पेन्स ऑफ लर्निंग का है. ये तो इश्यूज आएगा, उससे हम लर्न करेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, फिर थोड़ा संभलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ये तो होने ही वाला है. आई डोंट थिंक उसको हम प्लान कर सकते हैं, एक्सीडेंट को प्लान नहीं कर सकते. पुरोहित जी थोड़ा सा बोलते हैं और उसके बाद, हाँ जी आ गई है शायद आपकी आवाज, बताएं पुरोहित जी. पुरोहित जी का नेटवर्क दोबारा चला गया है और मैं
जी पुरोहित जी, आई थिंक आप आ रहे हैं, आप कुछ कहें। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपका फ्रेम ठीक हुआ है। नहीं, चलिए रघुनंदन जी, अब हम लोग प्रोग्राम के लास्ट में हैं और मैं आप सभी लोगों से क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहता हूं कि हम आने वाले समय पे, क्योंकि सिचुएशन अभी किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कितने नंबर्स बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रही जब तक, तब तक मुझे लगता है कि चीज़ें इसी तरह से चलेंगी। सरकार भी हिट एंड ट्रायल करेगी, हम लोगों को भी हिट एंड ट्रायल करना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें भी सेफ रखना रहना है और हमें अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सेफ रखना है और जैसे तैसे करके इकोनॉमी को भी चलाना है, क्योंकि काम नहीं चलेगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। लेकिन साथ के साथ लिमिटेशंस हैं। नरेश जी भी कह रहे हैं, राधा कृष्णन जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं जितने भी पैनलिस्ट आते हैं कि भाई जब आप कम काम करेंगे तो जाहिर सी बात इकोनॉमी की भी रफ्तार कम होगी। 20 लाख करोड़ की बात अभी हम छोड़ देते हैं, जो मिलेगा जिसको मिलेगा, किसने लोन लेना है नहीं लेना है, लेकिन आगे वाले समय में अगर हम अपने 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप सिचुएशंस को किस तरह से देखते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से सुधरेगी और कोरोना घटेगा या बढ़ेगा, कैसे उसको आप देखते हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी लोग बाहर निकलने को चालू करेंगे तो उनमें वायरस डेफिनेटली जाएगा, बट दैट विल बिल्ड अप द इंटरनल इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी। तो एक बार वो जैसे बनते जाएगा, दैट इज द सेम एज अ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वायरस को लेकर डॉक्टर हमारे अंदर ही डालते हैं ताकि बॉडी उसमें बनाए जाए। तो जैसे हम बाहर जाते जाएंगे तो इमीडिएटली स्पाइक तो होगा ही, बिकॉज सडनली एक इतने सारे लोग आ गए, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट विल काइंड ऑफ इवन आउट। तो US में आप देखो अभी एक्चुअली पीपल आर गोइंग आउट, वहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि डॉक्टर्स जो नॉर्मल तरीके से भी मर रहा है उसको भी कोरोना वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे केस में जो MSME पैकेज है या जो भी पैकेजेस गवर्नमेंट दे रही है उसमें जितना भी है स्टिमुलस बनते जा रहा है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो आज के डिमांड में सिर्फ FMCG है, मतलब आपका किराना ग्रोसरी वो सब तो चल ही रहा है, बट टुमारो व्हेन द डिमांड स्टार्ट्स गोइंग अप इंडस्ट्रियली, कि हम हमारे फैक्ट्रीज में जब भी वेंडर्स से परचेसेस चालू करेंगे, डिलीवरीज करेंगे, वो जब भी टैक्सेशन रूल्स बनते जाएगा, आई थिंक देन इकोनॉमी रीस्टार्ट गारंटीड है ही। फ्लाइट्स मेरे हिसाब से दिस वॉज टू अर्ली टू स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट, ये तो होना ही था कि फ्लाइट्स में कोई जाने को भी डरेगा, कैंसिलेशन होगा ही, क्योंकि पायलट्स बेचारे खुद भी तकलीफ में आके यू नो जा ही रहे। तो कमिंग फ्रॉम दैट, एक बार अगर माइग्रेंट्स पहुंच गए, वापस आ रहे हैं, थोड़ा अगर तसल्ली हो जाता है लोगों को कि फ्लैटनिंग द कर्व हो रहा है, आई थिंक अभी दिस इज अगेन क्रिटिकल। लाइक MSMEs हमारे लिए, जैसे अभी मंथ एंड आ गया, अभी नेक्स्ट मंथ सैलरीज में जब भी साइकिल आएगा तभी वो साइकिल में लोगों का ये हो जाएगा। बट इसमें मेनली एक देखना है कि जो हमारे सैलरीज थे, बल्क ऑफ इट गोज टूवर्ड्स EMI एंड अदर थिंग्स, एंड लॉट ऑफ देम गोज टूवर्ड्स डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, होटल्स हो गए, बाकी के चीज़ें हो गए जो नेसेसिटी नहीं है। बट ये 2 महीने में लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट बैक टू द रूट्स, घर का खाना खा रहे हैं, उनका हाइजीन बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ ये क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी बढ़ रहा है, लोगों की मेंटल इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो ऑन वन काउंट हम लोग बोल ही सकते हैं कि लोग सिक हो रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, बट ऑन द अदर साइड लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन इनसाइड एंड सीन के यू नो क्या करना है, कैसे करना है। या इवन छोटे छोटे बच्चे, जो मेरी छोटी बच्ची है, वो भी समझती है कि दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वॉन्ट एंड डिज़ायर, जो लोगों में भी जो पता चल रहा है, विच इज़ आई थिंक गुड। एंड चाइना से कॉम्पिटिशन इंडिया का कभी था ही नहीं, क्योंकि चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री और उसके जैसे पॉलिसीज थे वैसा अगर प्राइम मिनिस्टर में इंडिया में अगर आता था तो मैजिक होता था। वी हैव दैट फ्रीडम एंड सेफ्टी, अलॉन्ग विद दैट वी हैव एन इकोनॉमी विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इट्स वेरी ईजी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट लॉन्ग टर्म में जो इंडियन वे ऑफ वर्किंग है, जो इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज है, कि एक आदमी जो लाइक एडन में जाके जो पेट्रोल पंप में या छोटे से काम कर रहा था, टुडे इज इंडियाज बिगेस्ट कंपनी रिलायंस। सो वी हैव सक्सेस स्टोरीज लाइक दैट। एट द सेम टाइम वी हैव दिस गाय हु केम टू बॉम्बे विद नथिंग, छोटा सा ठेला लगा के वड़ा पाव बेच के आज उसके होटल है। तो द सक्सेस इज चेंजिंग यू नो डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया जरूर जीतेगा और हमें जीतना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। राधा किशन जी, आप कैसे देख रहे हैं कि अगले 6 महीने में क्या सिचुएशंस होंगी? पहले तो आप तो बोल रहे थे कि आखिर शायद अभी बात करने वाले हैं, तो आपको पहले तो मैं तो धन्यवाद करना भी चाहता हूँ, आपको कंग्रेचुलेशन भी करना चाहता हूँ, जो जिस तरफ से आप जो ब्लंटली स्पीकिंग में जो पॉइंट लेके आते हैं
it really is bluntly speaking, and people are able to open their own mind and speak here, unlike many other channel where possibly you got to speak what they want. Here we are able to speak what we want. Dhanyavad and congratulations to you. Secondly, what I feel is, I think yes, the GDP is not going to grow at the level at which we were all expecting before COVID. It's going to be the growth which many people are also suggesting it will be something like 1.5, something 1.2. So maybe it is not going to be very big year for India or even the globe. 2021 is not going to be a major year. But our economy revival jo hone hoga, to mujhe lag raha hai ki by around August, September tak hum thode bahut shuruaat shuru ho jayega. Consumption bhi increase hona shuru hoga. क्योंकि अभी तो सभी लोग घर बैठे हैं, अभी आदमी लोग जो बिल्कुल उनको जो चाहिए उतने ही खरीद रहे हैं. सो द मोमेंट दे आर आउट बाय अराउंड व्हेन द फेस्टिवल स्टार्ट्स, मे बी हमारे दिवाली उस टाइम में थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी हैप्पीनेस शुरू हो जाएगा भाई फेस्टिवल का. तो देयर विल बी ओपनिंग अप एंड ऑल दिस विल डेफिनेटली चेंज. आई थिंक बाय अराउंड डिसंबर देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी एक्सपेक्ट एंड द वर्कर्स ऑल्सो विल बी कमिंग बैक. आई एम नॉट वेरी positive about workers coming back. And another thing I feel is we need to really, I see that it is a cooperation between the government and the people to win over this situation. If the people are not contributing, there is going to be a huge problem for any government, because we can keep blaming, because our expectation from the government is always high. We think that government has got to do everything, but it cannot be one-sided. It has got to be two-sided game. I think every person has got to contribute towards this movement forward. Otherwise, we may be delaying our growth. But as I said before, India is going to grow. I'm very positive that 21-22, India, we will see a new India. 21-22. New India, we will see. Komal Chavan ji, a question. पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है क्वेश्चन है या उनकी ऑब्जर्वेशन है, मैं नहीं समझ पाया हूँ, ये आप बताएं. जो चौल में रहते हैं उनकी उनके रहने का इंतजाम कंपनी में ही करना ये जरूरी है, ये वो क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इसको क्लियर करें. मैं तो पहले से ही बता रहा था कि हमें हमारे जो वर्कर जो भी अगर आउट ऑफ द कंट्री आउट ऑफ द स्टेट से आ रहे हैं, आउट ऑफ एनी अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनके लिए कैसे सुविधा हम करेंगे. देयर शुड बी सम पॉलिसी शुड बी देयर that every industry, every person should be told, okay, dormitory उनको करके देना पड़ेगा, आपको रहन सहने की करना पड़ेगा. बिकॉज चौल में रहते हैं, खिदर भी रहते हैं, हमें एक पॉलिसी के अंदर लेके आना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा. तो हर आदमी, हर फैक्ट्री जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग में भी हो जाएगा भाई, ये भी हमारे कॉस्ट है. कि करंटली हम सोचते हैं सिर्फ सैलरी देना हमारा कॉस्ट है, तो हमें ये सोचते हमें हमारे अंदर आ जाएगी भाई उनकी एक डॉर्मेंट्री देना है. अगर माइग्रेंट वर्कर रहे, सॉरी हम तो ये मुझे उचित बार बार खराब लगता है कि किसी को मैं माइग्रेंट बोलूं हमारे कंट्री में, तो दूसरे जो नागरिक है उनको अगर हम किधर भी लेके आए कैसे उनको सुविधा करें, या इवन गवर्नमेंट की कुछ ऐसे रेजिडेंशियल कॉलोनी हो उनके अंदर हम उनको जगह दें. तो देर इज ए नीड, बिकॉज हमारे को उसकी ज्यादा चिंता करना है, बिकॉज ये हमारे लिए एक लर्निंग है. इतने लार्ज नंबर में एक एक शहर से माइग्रेंट दूसरे अपने अपने गांव जा रहे हैं, जो जैसे गांव से आके इधर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए शायद यहाँ पे सुविधा कम है, ये मेजर प्रॉब्लम है इनके लिए. तो उनके लिए सुविधा कम है, जाहिर सी बात है वो अपना घर और सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो अगर हम उनके लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा कर पाए, उनको वो सुविधाएं दे पाए कि उनको ऐसा फील ही ना हो कि वो घर छोड़ के आए. बट फिर भी कितना भी हम सुविधाएं दे लें, घर तो घर ही होता है. नरेश जी, क्या देखते हैं आप अगले 6 महीने में? 6 महीने में मैं देखता हूँ कि सेंटीमेंट्स बदलेंगे. इस अगले 3 महीने में हम डाउन ट्रेंड पे दोबारा आ जाएंगे, एक रूटीन सा बन जाएगा, और हम सब कॉन्शियस हैं इन सब चीज़ों के लिए. और आई एम वेरी होपफुल कि 6 महीने बाद, क्योंकि ये सिर्फ हम उस जीडीपी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ऑडीज भी बिक रही थी, मोटरसाइकिल भी बिक रहे थे, सब कुछ हो रहा था. मैं उस जीडीपी, अब हर आदमी अपने औकात समझ गया है, एंटरप्रेन्योर हो वर्कर हो, हर आदमी को एक दूसरे की जरूरत भी पता चल गई है. अब जो हम एक सर्वाइवल लेवल से चलेंगे, तो 6 महीने में हम सर्वाइवल पे तो आ जाएंगे, इट इज देयर. सभी इंडस्ट्री नहीं आएंगी, टूरिज्म नहीं आएगा,
आपका ट्रेवल इंडस्ट्री नहीं आएगी और नहीं ऐसा भी नहीं आएगी, बट मेजर इकोनॉमी का जो है सिस्टम वो चलने लगेगा आई एम होपफुल 6 महीने में, और चलने लगेगा और बिल्कुल। एक बात और इसमें मैं ऐड कर दूं, जो ये वर्कर्स के रहने वाली बात करते हैं, जब 1947 में रिफ्यूजीज जैसे भाटिया जी ने बताया जो लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ पे हार्डवेयर चौक के ऊपर एक फैक्ट्री बनी थी, उनको रेजिडेंस के लिए एरिया दिया गया था, एस्कॉर्ट्स को रेजिडेंस के लिए एरिया दिया गया था, वर्कर्स के लिए ईस्ट इंडिया को दिया गया था, प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था। उस वक्त ऐसा ही एक मूवमेंट चला था, हो सकता है अभी भी वर्कर्स की कॉलोनीज बनाने के लिए, वर्कर सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं उनकी कॉलोनीज के लिए भी आगे गवर्नमेंट इस तरह का प्रोविजन करे, और ये एक सीख मिलेगी हमको सिस्टम से। जी पुरोहित साहब से मैं दोबारा ट्राई करते हैं, अगर पुरोहित साहब पुरोहित साहब मैं चाहता हूँ तो आप अपनी पीछे वाली जो बात मैंने आपसे पूछी थी और जो आप कहना चाहते थे वो बात रखें। मैं चाहता हूँ कि ये छह जिंदगी तो धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी, लेकिन ये बड़ा अवसर है इंडिया के पास टू टेक अवे द टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। जो चाइना का जो कंपनी अभी चाइना का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो अभी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बाहर जाना है, अगर इंडिया को ये अवसर अगर लेना है तो एक मेजर दो पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। एक पॉलिसी है लाइक जो चाइना ने जो किया वही अडॉप्ट करो, दे हैव टू हैव ए पॉलिसी टू हैव ए कंपल्सरी डॉर्मेटरी इन द राइट इन द फैक्ट्री एंड इंसेंटिवाइज इट, दैट्स अ वन थिंग, दैट इज हाउ द चाइना डज। मैं गया चाइना में कंपनी कॉल्ड बीबीके, 10,000 लोग सिर्फ फैक्ट्री में रहते हैं, वैसे एक यूपा करके कंपनी है 17,000 लोग फैक्ट्री में, इट्स ए फैक्ट्री सिटी। सो वैसा अगर हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, वो फिलीपींस और वियतनाम चला जाएगा। सो ये करना है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर। जब तक स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, हर साल आपका जीएसटी या कस्टम ड्यूटी चेंज होते रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस साल आपका जीडीपी कस्टम ड्यूटी एक है, आपने फैक्ट्री लगाई, कस्टम ड्यूटी चेंज कर दिया, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिडंडेंट बन गया, नो तो नो इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू। ये दो मेजर चेंजेस करना जरूरी है, नहीं तो इंडिया कैन नॉट बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। जी एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट में आपसे ही पूछ लेता हूँ। पंकज मेहता कह रहे हैं कि हाउ इज द इंडस्ट्री गोइंग टू नेगोशिएट द न्यू यूपी गवर्नमेंट ऑफ सीकिंग गवर्नमेंट परमिशन बिफोर एम्प्लॉइंग माइग्रेंट्स फ्रॉम यूपी, आई मीन देयर आर गोइंग टू बी एडिशनल कॉस्ट ऑन कंपनी। जी यस, यूपी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस देना है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर आएगा हम उनके लिए एक अच्छी डॉर्मेटरी रहने की और इवन खाने की सुविधा करेंगे। अभी चाइना में क्या होता है, 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे की तनख्वाह उनको दी जाती है, 2 घंटे उनका रहना और खाना फ्री हो जाता है। सो वर्कर को कुछ भी खर्च करने का जरूरत नहीं है, नेट तनख्वाह घर लेके जाता है। जबकि यहाँ का जो वर्कर होता है वो 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसमें फिर उसका ट्रैवल का कॉस्ट, उसका खाने का कॉस्ट, रहने का कॉस्ट में लास्ट में बचता कुछ नहीं है, वो गरीब का गरीब रहता है। तो जब ऐसी व्यवस्था यहाँ इंडिया में होनी चालू हो जाएगी, और तो यूपी गवर्नमेंट विल बी हैप्पी टू सेंड देयर वर्कर हियर। उनको वही एश्योरेंस चाहिए कि जिस तरह इस बार जो वर्कर जो सफर हुए हैं वो नहीं होना चाहते। अगर ऐसी फैसिलिटी अगर यूपी गवर्नमेंट को बताएंगे तो यूपी गवर्नमेंट क्या कोई भी गवर्नमेंट अपने कोई भी मजदूर कोई भी श्रमिक वहां जाना पसंद करेगा, वहां काम करना पसंद करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का, आपने अपना समय निकाला, अपनी बात रखी। और राधा कृष्ण जी आपने कहा था कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अपनी बात रखने का मौका देते हैं, दूसरे चैनल्स नहीं देते। राधाकृष्णन जी ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए आपका है, ताकि आप अपने जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठा सकें, जो सोशल मुद्दे हैं वो उनको उठा सकें, कह सकें, ताकि शायद देर सवेर गवर्नमेंट के भी कानों में जूरेंगे और उसके ऊपर वो एक्शन ले सकें, वो कुछ हेल्प कर सकें। क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि जो हम चौथा स्तंभ जो मीडिया को कहा गया है, वो चौथा स्तंभ धीरे 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 करके खत्म होता जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि उसको जागृत किया जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो रहा है, कुछ दो चार चैनल्स को छोड़ दें, दो चार अखबारों को छोड़ दें, बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि कॉमर्शियल वायबिलिटी भी बहुत होती है, तो कई बार ये कहा जाता है, इसके दो पहलू आ जाते हैं। चैनल्स या अखबार कई बार ये कहते हैं कि जो जनता देखना चाहती है हम उनको वो दिखाते हैं,
दूसरी तरफ जो अच्छा कंटेंट देने वाले लोग हैं, अगर आप हिस्ट्री चैनल्स की बात करें, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की बात करें, तो वो लोगों उन चैनल्स को कंटेंट देखने के बाद ये कहा जाता है कि जो आप दिखाना चाहते हैं और अगर अच्छा दिखाएंगे तो जनता क्यों नहीं देखेगी। तो ये कई बार लोगों को आपस में तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि करना क्या है। नो डाउट जो मसालेदार खबरें होती हैं, मसालेदार डिबेट्स होती हैं, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो लोग ज्यादा देखते हैं। पीछे कुछ समय पहले ऐसी हुई कि लगता था कि अब इसको उठ के अब ये मारेंगे अब मारेंगे, और कई बार तो आपने देखा है लाइव पे डिबेट्स में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया, कई बार ग्लास का पानी फेंक दिया, तो ऐसी वही सारी चीजें हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी अपनी बात कायदे से रखें, क्योंकि हम सभी लोग मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी बात को रखना जानते हैं। जबरदस्ती किसी के ऊपर हम अपनी बात को कभी भी थोप नहीं सकते हैं, वो कुछ ही दिन तक थोप सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग फिर इसी तरह से मिलेंगे, आप लोगों को मैं दोबारा बुलाऊंगा जब भी जरूरत होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग कल फिर फ्राइडे को एक डिफरेंट सेक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी दर्शकों से आज्ञा लेता हूँ, नमस्ते।